मुंबई में लैंड करते ही एक्टर कमाल आर खान गिरफ्तार, एक विवादित ट्वीट के चलते हुए गिरफ्तार। जाने क्या है पूरा मामला। एक्टर और फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान एक बार फिर सुर्खियों में है। केआरके को मलाड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विवादों में रहने वाले केआरके के खिलाफ मलाड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने केआरके को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, दरअसल एक पुराने मामले की वजह से केआरके को गिरफ्तार किया गया है। केआरके अपने एक ट्वीट की वजह से मुश्किलों में फंस गए हैं। बताया जा रहा है कि केआरके के खिलाफ कार्रवाई एक विवादित ट्वीट के चलते हुई है। मलाड पुलिस ने केआरके को एयरपोर्ट से डिटेन किया है और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर धर्म को ठेस पहुंचाने वाले विवादित ट्वीट किए थे। अब सवाल है कि आखिर ये शिकायत दर्ज किसने करवाई है, तो इसका भी जवाब आपको बता देते हैं कि युवा सेना के सदस्य राहुल कनाल ने केआरके पर धर्म के खिलाफ ट्वीट करने के आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। आपको बता दें, केआरके को साल 2020 में दर्ज हुए एक केस में मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। केआरके पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर धर्म को लेकर विवादित ट्वीट किए थे। केआरके के खिलाफ शिकायत युवा सेना के सदस्य राहुल कनाल ने की थी, उसे आज बोरीवली कोर्ट में पेश किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें, राहुल कनाल ने कहा कि मेरी शिकायत पर केआरके को आज गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई पुलिस के इस एक्शन का मैं वेलकम करता हूँ। वो सोशल मीडिया पर अपमानजनक कमेंट करता है और अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करता है। इस तरह का बर्ताव समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उसे गिरफ्तार करके मुंबई पुलिस ने ऐसे लोगों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जब कमाल आर खान अपने किसी ट्वीट को लेकर मुश्किलों में फंसे हैं। वो अक्सर विवादित ट्वीट्स को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। कमाल आर खान बेबाकी से बॉलीवुड के तमाम सितारों पर निशाना साधते रहे हैं। वो अपने ट्वीट में बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान से लेकर शाहरुख खान तक को बुरा भला कह चुके हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।